तो सामने देख सकते हैं ये कैलाश, अमर शहीद कैलाश की माँ हैं, और कुछ इनसे बातें जानने की कोशिश करते हैं कि वो शहीद होने से पहले अपनी माँ से क्या बातें किए थे और क्या सोचते थे कि माँ मैं आऊँगा तो ऐसा ऐसा काम किया जाएगा क्या। तो बाबू से कब आपकी बात हुई थी? बाबू जब वह जनरेटर चला धुआं गए तब बतुआ उजे हाला। हाँ क्या कर रहे थे? पूछ गए बाबू का दिक्कत ये कहा कि हमारे जनरेटर का धुआं हाल गए वो सीना पिरा तो मूल पिरा। होली में बात आपसे हुई थी? आपसे नहीं हुई थी। कुछ आपकी दिल की बात, अपने दिल की बात आपसे, कुछ राज की बात आपसे करते थे? क्या बताते थे, क्या सपने थे उनके? हमें का सपना बताइए रे मामा, बाबू हमार का बनाई हमन भी सारत रहल ये माई काहे नाही चिंता ही कर ले चल चल। सामने देख सकते हैं उनकी माँ बात करने की हालत में नहीं है और स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और ऐसे स्थिति में बात करना उचित भी नहीं है और दम का एक पहाड़ सा टूट पड़ा है पूरे परिवार वालों पर। और यहाँ का कुछ इस तरह का मंजर आप देख सकते हैं, बहुत ही दुख भरा मंजर है। तो आप सामने देख सकते हैं लोगों का तादाद बढ़ती जा रही है और अपने शहीद लाल के श्रद्धांजलि के लिए लोगों की जमा मतलब भीड़ इकट्ठा हो रही है। और बता दें कि बस्ती जिले का जो ये लाल है अपनी माँ की, धरती माँ की सेवा करते अपनी जान को गवा देते हैं। और सामने देख सकते हैं ये रोड है और ये चित्राकोर बस्ती में चित्राकोर ये गांव है और यहाँ के ये थे कैलाश चौहान जी जो भारत माता की सेवा करते हुए अपनी जान को गवा दिया। और यहाँ का कुछ आप नज़ारा देख सकते हैं, अभी शासन प्रशासन आई थी और अभी मतलब आके संतावना देकर चली गई है लेकिन अभी कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और बताया जा रहा है कि कैलाश चौहान जी का जो पार्थिव शरीर है वो आज 1 बजे बाय एयरक्राफ्ट आएगा और बाकी का अपडेट हम आपको अपडेट देते रहेंगे।